नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी जयपुर में 67 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। यह हत्या गला रेतकर की गई। घटना का पता उस वक्त चला जब घर में से स्थानीय लोगों को बदबू आना शुरू हुआ। घटना सदर थाना इलाके के बड़ोदिया बस्ती की है। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर भी मौके पर पहुंची। गला रेतकर की गई हत्या को लेकर जयपुर सिटी एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इस दौरान एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक मृतका का नाम शारदा जैन है। मृतका घर में अकेली रहती थी। हालांकि पुलिस हत्या के इस पूरे प्रकरण में घर के बाहर से लोक लगा होने के कारण किसी परिचित का हाथ होने की संभावना जता रही है। फिलहाल पुलिस की टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल हत्यारे की तलाश में जुट गई है। तो 190 नंबर मकान है चतुर्भुज मंदिर के सामने बाड़ोदे बस्ती में। तो इनके भाई है दिनेश जैन, जो बैंक मैनेजर रिटायर्ड शिवलाइन अरिमार को रहते हैं। उन्होंने पुलिस को इतला दी कि मेरी बहन को किसी ने मार दिया। तो यहाँ मौके पहुंचे तो उसके भाई का कहना था मेन गेट जो है ये बंद था, क्योंकि ऊपर से कूद गया, पीछे गेट से मैं गया तो ये जो फ्रंट गेट है कमरे का वो अंदर से बंद था। अंदर आके हम डेड बॉडी की देखा तो उसके लेफ्ट साइड में वार है, डीपली वार है। तो किसी ने धारदार हथियार से इसका मर्डर किया है। क्या कोई लूट का इरादा था या क्या? नहीं, है गेन फोर मर्डर नहीं है, क्योंकि इसके पास इसका पर्स भी नहीं मिला। उसमें उसके 1819 रुपए भी थे। हाथों में चूड़ियां है, ये सोने की पीतल की, वो चेक करेंगे। रंजिश का भी हो सकता है, जानकार भी हो सकता है। सीसीटीवी वगैरह देखते हैं, कॉल डिटेल निकाल रहे हैं। झाजपुर के पंडेर बस स्टैंड पर रोड क्रॉस करते समय कार की टक्कर से एक बालक की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित फरार हो गया। जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय केशव एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। रोड क्रॉस करते समय तेज गति से आई कार ने बालक को अपनी चपेट में ले लिया। घायल बालक को सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने से उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। बालक ने जिला अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं चिकित्सकों ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। दौसा महिला थाने में एक महिला ने मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। राजंती ने बताया कि मैं घर के अंदर घरेलू कार्य कर रही थी कि उस समय राजवीर, छोटी, दिलखुश, सीता देवी एक राय होकर मेरे घर के अंदर घुस गए और राजवीर ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। इसके बाद उनके द्वारा लाठी डंडों से मेरे साथ में मारपीट की गई और शोर सुनकर महिला का बेटा और बहू बीच बचाव करने आए तो उक्त लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जाजपुर नगर पालिका के वार्ड 24 विंध्या भाटा में विगत 10 दिनों से नलों में पानी की सप्लाई नियमित रूप से नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने आज नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा के नेतृत्व में जहाजपुर जलदाय विभाग का घेराव कर महिलाएं धरने पर बैठ गई। वार्ड वासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 10 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से वार्ड वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग को ज्ञापन देकर वार्डों में पानी की सप्लाई व्यवस्था शुरू करवाने की मांग की। कोटा जिला प्रभारी व राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने जिला कलेक्ट्रेट के सभागार भवन में सभी विभागों के आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर मीणा ने सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी मेहनत से कार्य करने को कहा। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा भी की, पदाधिकारियों से पूरे जिले के हालात भी जाने। बाद में अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीणों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं नए बजट में लाई गई है, उनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए सभी को संयुक्त प्रयास करने होंगे। मीणा ने जलदाय विभाग व खनन विभाग के अधिकारियों की अलग से बैठक भी ली। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे में स्थित कन्या पाठशाला के नजदीक गुरुवार रात हॉकी और लाठियां लेकर आए 2 दर्जन युवकों ने दहशत फैला दी। 20-30 युवक हॉकी स्टिक व लाठियां लेकर घर में घुस गए। घर में तोड़फोड़ व मारपीट की, महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया। तनाव की आशंका को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार एक समुदाय के लोगों और विकास कुमार राठी के बीच पिछले कुछ दिनों से आपसी विवाद चल रहा है, जिसके चलते लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई की और 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और बाकी की तलाश जारी है। जयपुर दिल्ली के बीच पहली नियमित ट्रेन सैनिक एक्सप्रेस शुरू हुई। सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ ने सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती के साथ सीकर स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद खीचड़ ने इस ट्रेन में सीकर से सूरजगढ़ तक का सफर किया। नवलगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, रतनशहर, चिड़ावा व सूरजगढ़ में लोगों ने सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़, ट्रेन के गार्ड और चालक का स्वागत किया। झुंझुनू स्टेशन पर सांसद नरेंद्र खीचड़ का जिलाध्यक्ष पवन मामंडिया के नेतृत्व में स्वागत किया गया। सैनिक एक्सप्रेस दिल्ली से जयपुर सप्ताह में 3 दिन चलती थी झुंझुनू होकर के, अब
सात दिन तक कर दी गई है। इसके लिए मैं जनता की ओर से, सभी की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से आदरणीय रेल मंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। ये बहुत जरूरी मांग थी झुंझुनू के लिए, ये हमारे अनुरोध के कारण से जनता की मांग को पूरा किया। इसके लिए मैं पुनः केंद्र सरकार को और केंद्रीय मंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई नेता रेल मार्ग से दिल्ली से उदयपुर चेतक ट्रेन से निकले। यात्रा के दौरान ट्रेन रात 3:15 बजे विजयनगर पहुंची, जहां विधायक राकेश पारिक और पार्षद तरुण कच्छावा सहित कई कार्यकर्ता राहुल का स्वागत करने स्टेशन पहुंचे, मगर वो सिर्फ कोच के बाहर इंतजार करते रहे। दरअसल राहुल गांधी बाहर ही नहीं निकले, कोच के गेट पर मौजूद गार्ड और सुरक्षा कर्मी ने राहुल सो रहे हैं कहकर गेट बंद कर लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी विजयनगर से ट्रेन द्वारा उदयपुर शिविर में जा रहे हैं, तो पार्षद ने कहा कि आप देखना अगर वो जगह हुए होंगे तो जरूर आप लोगों से मिलेंगे। मैंने ऐसा लगता है कि वो 3:15 का समय हो रहा है, तो हम हमारे प्रिय नेता के स्वागत के लिए आए थे, कुछ कार्यकर्ताओं सहित थी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तारानगर के सावा की सबसे बड़ी चारा मंडी में भीषण आग लगने से हजारों क्विंटल चारा जलकर राख हो गया। जिले में पशुओं के चारा संकट के बीच तारानगर के सावा की सबसे बड़ी चारा मंडी में भीषण आग लग गई। आग की वजह से हजारों क्विंटल पशु चारा और पराली जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के लिए चूरू, भादरा और तारानगर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। दमकलें देर शाम तक आग बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन चारे में से फिर भी धुआं उठता रहा। वहीं आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। भरतपुर के भुसावर के गांव वाचरेन के एक पास एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को ट्रैक्टर से टोचन कर महुआ ले जा रहा था, लेकिन अचानक ट्रैक्टर के आगे पशु के आ जाने की वजह से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर पलट गया। घटना में ट्रैक्टर चालक युवक की मृत्यु हो गई, जिसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। आज जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि बासरन गांव के पास में एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर मैं हॉस्पिटल भुसावर आया हुआ था, तो उसके परिवारजन, पिता व अन्य रिश्तेदार मिले, जो उन्होंने उनसे पूछने पर बताया उन्होंने कि ट्रैक्टर से अपने स्वयं के ट्रैक्टर से एक गाड़ी का टोचन करके ले जा रहा था। अकस्मात कोई गाय या कोई जानवर आने के कारण बचाने से दोनों गाड़ी ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया ट्रैक्टर और उसको नीचे आकर के इसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा दी गई। अब फिलहाल उन्होंने कोई रिपोर्ट देने के लिए मना कर दिया है और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहाँ का व्यक्ति है, क्या नाम, एड्रेस? यह है मनोज कुमार सिंगल, पुत्र प्रकाश चंद सिंगल है, वैसे जाति से, निवासी बरखेड़ा का है और थाना बयाना में पड़ता है इसका गांव। ये महुआ ले जा रहा था किसी कबाड़ी के। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।